आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही स्पेशल चीज़, मज़ेदार और खुशबूदार कलरफुल सेवइयाँ। वैसे तो शायद आप सबके लिए कॉमन हो, लेकिन मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि यूए में ये वाली सेवइयाँ नहीं मिलती और हमें स्पेशली पाकिस्तान से लाना पड़ती हैं। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और पैन के अंदर 2 टेबल स्पून घी गरम कर लेंगे। वैसे घी भी अपनी चॉइस पर है, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, 2 चम्मच से 3 चम्मच। और इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 इलायची। मैं यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से घी में गरम कर लेंगे और जैसे ही इलायची खुशबू आने लगेगी इसमें हम सेवैयाँ ऐड कर देंगे। 1 कप सेवैयाँ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसे रोस्ट कर लेंगे घी के अंदर। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सेवैयों को रोस्ट करेंगे। जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, फौरन से हम इसमें 1 कप दूध और 1 कप पानी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को स्लो करके इसे कवर कर देंगे और हल्की आंच पर सेवैयों को पकने रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। सेवैयों को पकते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं, यहाँ पर हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए सारा पानी ड्राई हो चुका है, दूध और पानी जो था उसका ड्राई हो गया। यहाँ पर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैं इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। वैसे तो वाइट शुगर भी ऐड की जा सकती है, लेकिन ब्राउन शुगर ज़्यादा हेल्दी होती है। और शुगर हमने इसलिए ऐड नहीं की थी शुरू में क्योंकि इससे सेवैयाँ फिर हार्ड हो सकती हैं। तो ये 1 कप सेवैयाँ हैं जिसमें मैंने आधा कप शुगर ऐड की है। शुगर लेकिन टोटली अप टू टेस्ट है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा शुगर भी डाल सकते हैं। मैंने 1 कप के लिए 1/2 कप शुगर लिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इनको स्लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। तैयार हैं बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी मीठी वाली रंगीन सेवैयाँ। अच्छा, इसका कलर इसलिए ब्राउन है क्योंकि मैंने इसे ब्राउन शुगर यूज़ की है। आई होप कि ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।